सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद होगी सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैंने फर्स्ट पार्ट में विराट कोहली के हेयर्स और बियर्ड ड्रॉ किया था, तो उम्मीद होगी आपको पसंद आया होगा वो वीडियो। और बाकी नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर आप देखिए उस वीडियो को। बाकी इस वीडियो में मैं विराट कोहली का पोर्ट्रेट पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहें और एंड तक देखिए कि मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। और उम्मीद होगा कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आए, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही रहे हैं मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा डिटेलिंग वाला काम होता है मैं स्टार्ट वहीं से करता हूँ। तो बाकी आप देख सकते हैं कि मैं कौन कौन से टूल किस कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा फास्ट है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैं मेकअप ब्रश से पहले ब्लेंड कर रहा हूँ। तो मैं ब्लेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा पोर्ट्रेट है मुझे वो स्मूथ चाहिए, तो इसलिए मैं सबसे पहले उसे ब्लेंड करता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट हम पेंसिल चलाते हैं ना, तो उससे इतना स्मूथ नहीं बन पाता है जितना मेकअप ब्रश से ब्लेंड करने के बाद जो पेंसिल हम चलाते हैं ना उससे बनता है। क्योंकि मेकअप ब्रश डायरेक्ट ब्लेंड करता है, इसलिए ये बात को ज़रूर ध्यान दें कि जो पहली लेयर है ना वो पेंसिल से ना देते हुए मेकअप ब्रश से ब्लेंड करें उसे, ताकि जो हमारा पोर्ट्रेट है वो बड़ा स्मूथ निकल कर आए। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप। जैसे आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से आप भी करते रहिएगा, जिससे आपका जो पोर्ट्रेट है वो बड़ा अच्छा निकल के आता है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको कि टाइम देना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में 2 घंटे में पोर्ट्रेट बन जाता है। इसमें हमें टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अपन जितना ज़्यादा टाइम देंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा पोर्ट्रेट निकल कर आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं अभी नोज़ पर काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स, वैसे ही आप करते जाइए, इसलिए जिससे पोर्ट्रेट बड़ा अच्छा निकल कर आएगा। दोस्तों, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ना वो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, ताकि आप भी एक स्केच बढ़िया तरीके से बना पाएँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। और देखते रहिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप